अबे क्यों मार रहे हो भाई तुम? क्यों मार रहा है भाई उसको? क्यों मार रहा है तू? है कौन ये बता? ओए पीछे रह, समझ गया ना? क्या पीछे रह, समझ गया ना? पीछे रह, चल चल बोल। बंदूक नीचे रख यार। अबे इतना बड़ा मैटर थोड़ा हो गया यार, तुम बंदूक निकाल दो यार। हाँ भाई बंदूक अंदर रख दो यार। सॉरी यार भैया, बोलने लग गया भैया। गेट पे यार, गेट पे क्या करना चाहिए इनके साथ ये बताओ। हैं मानना चाहिए ना? आपकी बाइक मिल तो रही है भाई यार, बंदूक से नहीं यार भाई, दुकान में लाना है। सो भाई लोग, आज इस गन का बहुत जरूरी काम है, अभी मैं निकल रहा हूँ यहाँ से रामनगर के लिए। सो भाई लोग, आप लोग सोच रहे होंगे इतनी जल्दीबाजी में गन लेके कहाँ निकला हूँ मैं। अभी फिलहाल जा रहा हूँ भाई रामनगर। रामनगर एक सीन हो गया भाई बहुत ज्यादा तगड़ा, और जल्दीबाजी में मुझे निकलना पड़ रहा है, और मैं अकेले जा रहा हूँ, तो अभी ये गन लेके जा रहा हूँ भाई। और सीन कुछ ऐसा है, इस टाइम पे मेरे को अभी थोड़ी देर पहले एक कॉल आता, मेरा एक दोस्त है रामनगर का, वो बंदा बोल रहा था करण भाई जल्दी से रामनगर आ जाओ, मुझे कुछ बंदों ने उठा लिया, पता नहीं कितने बंदे होंगे, आई डोंट नो भाई। अभी इसी वजह से मैं ये गन लेके जा रहा हूँ, अब वहाँ पे जाना भी जरूरी है। अभी कोई है भी नहीं, सब अपने अपने काम पे जा रहे, सिद्धू भी नहीं है, नीरज भी नहीं है, सबको कॉल करके देख लिया मैंने, कोई भी नहीं है इस टाइम पे, तो भाई मुझे अकेले ही जाना पड़ रहा है अभी। और उस बंदे का कॉल आया, अगर मेरे साथ कोई और जाता तो भाई मैं ये गन लेके नहीं जाता, पता नहीं क्या सीन हुआ होगा, मेरे को नहीं पता। अभी 5 मिनट पहले मेरे को कॉल आया था उस बंदे का, और वो बंदा बोल रहा था करण भाई मुझे बचा लो करके, मेरी बाइक लेके जा रहे हैं, मुझे पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं, उठा के मुझे बचाने आ जाओ प्लीज भाई। मैं अभी इसी वजह से इतनी जल्दी निकला हूँ, नहीं तो भाई मैं जल्दीबाजी नहीं करता हूँ कभी भी भाई। पता नहीं वहाँ जाके क्या सीन होने वाला है, आई डोंट नो। मैंने सोचा क्यों ना GoPro भी उठा लिया जाए, वहाँ जाके देख लूंगा, अगर कुछ गलत सीन होता है तो थोड़ा बहुत रिकॉर्ड हो जाएगा भाई अपना। ऐसी जगहों पे कैमरा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसकी जो है चेन खराब हो रखी है भाई, फिर भी मैं लेके जा रहा हूँ अपनी बाइक। मेरी बाइक का पूरा चेन सेट जो है वो खराब हो गया है भाई, फिर भी मैं लेके निकल रहा हूँ, क्योंकि भाई मेरे को अर्जेंटली जाना पड़ रहा है, नहीं तो मैं दूसरी बाइक लेके जा सकता था। और दूसरी बाइक की किसी की चाबी नहीं थी, ना सुपर स्प्लेंडर की थी ना स्प्लेंडर की थी, और वो मेरी अपाची जो थी स्टंट वाली वो जा नहीं सकती इतनी दूर, और जल्दीबाजी में मुझे निकलना है, तो भाई इससे बढ़िया कोई बाइक नहीं है जाने के लिए। आजकल भाई पता नहीं कितने पंगे हो रहे हैं, कितने पंगे हो रहे हैं भाई। भाई लोग, आप लोगों ने पिछला ब्लॉग देखा होगा, अगर नहीं देखा तो जाके चेकआउट कर लेना। उस वाले ब्लॉग में अनमोल मेरे पास आया था, और वो बंदा बोल रहा था कि भाई मुझे तुझसे कोई मैटर नहीं रखना है, और सिद्धू से जो मैटर बड़ा है भाई, अब मैं उस मैटर को खत्म नहीं करूंगा। अब हो सकता है गाइस एक दो दिन में या फिर कुछ दिन बाद वो मैटर सॉल्व कर ले, या फिर मुझसे कॉम्प्रोमाइज कर ले, क्योंकि उसकी बातों से मुझे लग रहा था जहां तक उम्मीद है वो कॉम्प्रोमाइज करने की बात करेगा। आप लोगों का क्या सजेशन है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है भाई, कि मुझे कॉम्प्रोमाइज करना या फिर नहीं करना चाहिए, क्योंकि भाई मैं सोच रहा हूँ कॉम्प्रोमाइज कर लेना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा लड़ाई हो गई भाई, हम लोगों ने बहुत लड़ाई कर ली। अब मैं भी भाई इस लड़ाई को ज्यादा आगे नहीं बढ़ाना चाहता हूँ, तो भाई इस लड़ाई को यहीं पे खत्म कर दूँ। अगर वो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए बोलता है तब मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलने वाला हूँ। अगर उसका मन होगा लड़ाई करने का तो भाई लड़ाई कर लेंगे, अगर उसका मन होगा कॉम्प्रोमाइज करने का तो कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे। गाइस, अगर आप लोगों ने मेरा सेकंड चैनल नहीं देखा है तो सेकंड चैनल जाके चेकआउट कर लेना। उस चैनल पे जो है मैं मोटो ब्लॉगिंग से रिलेटेड वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, मतलब आप मोटो ब्लॉगिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, और कम से कम बजट में कैसे मोटो ब्लॉगिंग कर सकते हो तुम लोग, और मोटो ब्लॉगिंग सेटअप कितने का पड़ेगा, कौन सा GoPro यूज करता हूँ, कौन सा माइक यूज करता हूँ, मैं सबको उस चैनल पे मैं बताऊंगा, और भी इन्फॉर्मेशन मैं उस चैनल को बताने वाला हूँ। मतलब यूट्यूब से रिलेटेड आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम्स आती है उन सभी के सोल्यूशन जो है मैं उस चैनल को बताने वाला हूँ, तो मेक श्योर उस चैनल को जाके चेकआउट कर लेना। आप लोगों के काम की वीडियोस आने वाली है उस चैनल पे, ठीक है ना। उस चैनल का नाम है मोटो ब्लॉगर करण राजपूत। अभी भाई फटाक से पहुंचते हैं, और गन मैंने यहाँ पे रख ली है। सुबह लोग, यहीं आसपास कहीं ग्राउंड होना चाहिए, मतलब यहाँ से मैं निकलूंगा, थोड़ा आगे जाके एक ग्राउंड है, तो भाई वहाँ पहुंचता हूँ अभी फटाक से, क्योंकि मुझे निकले हुए समथिंग 15 मिनट हो चुके हैं, और 15 मिनट में भाई बंदा क्या से क्या कर दे, कुछ भी हो सकता है भाई, वहाँ जाके देखना पड़ेगा भाई, कुछ ज्यादा बड़ा मैटर ना हुआ हो बस, क्योंकि भाई उस बंदे ने कुछ ना कुछ सोच समझ के ही मुझे कॉल किया होगा, नहीं तो किसी और को भी कॉल कर सकता था बचाने के लिए। अभी गाइस फिलहाल मैं इस तरह की लोकेशन पे आ गया हूँ, देख रहे हो चारों तरफ जंगल ही जंगल है, उन बंदों ने कुछ किया ना हो भाई। भाई लोग, मुझे यहीं की लोकेशन बताई थी कि फील्ड है वहाँ पे एक, तो वहाँ पे आ जाना, दो गाड़ी खड़ी तो है यहाँ पे, अरे यहाँ पे राज भाई की गाड़ी भी है, लेकिन बंदे कहाँ है भाई, यहाँ तो कोई दिख नहीं। ओ शिट, वहाँ पे है भाई। ओ भाई, अबे ओए भाई, ओए अबे क्यों मार रहे हो भाई तुम? क्यों मार रहे हो भाई? क्यों मार रहे हो? क्यों मार रहा है भाई उसको? क्यों मार रहा है तू? अबे क्यों मार रहा है? मार क्यों रहा है तू? है कौन ये बता? कौन है ये बता? है कौन? ओए पीछे रह, समझ गया ना? पीछे रह, समझ रहा है? अब ओए क्या बे? क्या पीछे रह? मार क्यों रहा है उसको? मार क्यों रहा है उसको? ये बता क्यों मार रहा है तू? अब तू क्या रहा है बीच में? कर सही है, कर सही है।
पीछे रह समझ गया ना, खोपड़ी खाली कर दूंगा, पीछे रह, पीछे रह समझ गया ना, पीछे रह, चल चल अब बोल, खोपड़ी खाली कर दूंगा दोनों की यहीं पे, समझ गया ना, अब बोल बोल। नीचे रख क्यों लेके आया तू, क्यों मार रहा है भाई उसको, हो गया भाई मैटर, हो तो गया, अब बोल, कोई कुछ बोल रहा, कोई कुछ बोल रहा भाई, देख इसका कुछ मैटर नहीं था, ये फिर भी बीच में आ रहा है, क्या सीन, क्यों लेके आया तू उसको भाई, अबे तो भाई अबे इतना बड़ा मैटर छोड़ना हो गया यार, तुम बंदूक निकाल दो यार भाई, यार तो भाई उसको क्यों किडनैप करके लेके आ रहा है वो, ठीक है, चल दे भाई, बाइक मंगवा के दे अभी यहीं पे, बाइक मंगवा के दे, चल मारो भाई, भाई भाई सॉरी यार भाई, भाई भाई बंदूक निकालो, राज भाई निकालो, गन निकालो, उसे मत करो यार, बाइक बाइक मंगवा के दे, चल भाई ला रहे भाई, यहीं बैठ नीचे, वो तीसरा वाला कहाँ गया, तीसरा वाला कहाँ गया, राज भाई भाग गया, घड़ी में छुप गया साहब, ढूंढ के लाओ उसे, नीचे बैठ, राज भाई गन निकालो, भाई बंदूक से नहीं, गन निकालो, निकालो तो सही, क्यों लेके आया तू, बुला के ही बता, क्यों लेके आया भाई, भाई वो आ रहा था बीच में, हमने कुछ नहीं करा था, बीच में क्या मतलब, कुछ तो सीन होगा, राज भाई सीन क्या हुआ ये बताओ, सीन ऐसा हुआ ना, देखो करण भाई ये लगता है ना, ये सबसे पहले से मेरी साइकिल वगैरह चुरा ली थी, ठीक है, अच्छा, उमेश की बाइक भी ले गए यार, चलो मैंने कहा छोड़ो क्या करना है, क्या कंप्लेंट करनी है साइकिल के लिए, बाइक वगैरह भी ले गए उमेश की यार, उमेश मेरे से बोल रहा भाई, भाई तेरी थोड़े ना लेके गए, तू क्यों आ रहा था बीच में, बाइक थोड़ी ले गए थे यार, अबे भाई क्यों लेके गया तू ये बता भाई, वो उससे मैटर है यार भाई, तुम तो भाई उससे मैटर है तो भाई को क्यों उठाया, लड़ने के लिए क्यों कह रहा हूं, दूसरे कुछ कह छोड़ना है, भाई को क्यों उठाया तूने, भाई समझा यार, बंदूक निकाल, क्यों उठाया तूने भाई को ये बता दे, तुम बोल रहे करण भाई को हल्के में ले रहे थे ना, तुम कैसे, बुला लो अब आ गए, सॉरी यार भाई, भाई भाई तू बाइक मंगवा दे भाई, बाइक मंगवा दे, कोई दिक्कत नहीं है, तीसरा वाला तो भाग गया तुम्हारा, बाइक लेके आ जल्दी यार, भाई तेरा मंगा उसका भाई मारेंगे, गन निकालो राज भाई, बंदूक भाई रहन देना भाई यार, भाई खोपड़ी खाली करनी चाहिए तेरी, नहीं रहन देना भाई, ओए इधर यहाँ पे बैठ, इधर भाई मंगा रहे, इधर बैठ यहाँ पे, इधर बैठ, हाँ भाई बंदूक अंदर रख दो यार, बंदूक अंदर ही है, चल जल्दी मंगा बाइक भाई, टाइम नहीं है हमारे पास, हाँ भाई आ रहा है, 2 मिनट में, हाँ जल्दी मंगा भाई, क्या करना चाहिए राज भाई इनका ये बताओ, भाई आज तो ये गाड़ी आ रही है यार, भाई हो गया, अकेला समझ के परेशान कर रहे हो भाई को ये बता दे, सॉरी यार भैया, आपको हो गया, आप बोलने लग गया सॉरी, कल तक तो बहुत तड़ी दिखा रहा, मुझे क्या सॉरी बोल रहा है, भाई को सॉरी बोल, बाइक मंगा फटाफट, फोन क्यों नहीं कर रहा भाई तू, मंगा यार टाइम नहीं, जल्दी बुला यार, कहाँ पे यार, ये गेट पे रख के चल गया गाड़ी यार, चल चल आ रहे हैं उधर ही को, आ रहे हैं भैया गेट पे यार, गाड़ी गेट पे यार, राज भाई क्या करना चाहिए इनके साथ ये बताओ, हैं क्या करना चाहिए इनके साथ ये बताओ, हैं मानना चाहिए ना, बताओ मानना चाहिए ना, बताओ आपकी बाइक मिल जाएगी ना, आपकी बाइक मिल तो रही है, अब क्यों कर रहे हो, आ रही है बाइक, भाई पर भैया गेट पे खड़ी करके गया वो, चलो फिर राज भाई बाइक लेते हैं, सुन भाई देख सुन, लड़ाई कुछ नहीं है, भाई को यार परेशान क्यों कर रहे हो, अकेला बंदा है वो यार, भाई वो बीच में आ रहा था तब यार, तो भाई हमारी कुछ वो छोटा थी उससे, तुम बाइक क्यों लेके आ गए भाई, किसी की बाइक कैसे ले जाओगे तुम, ये बताओ यार क्या करा जाए, राज भाई बताओ यार, तुम माफ कर देते इनको, नेक्स्ट टाइम ऐसा करते ना, इनको गोली मार देंगे सीधे भाई यार, बंदूक से नहीं यार भाई, दुकान बंद लाना है, चलो ठीक है भाई, चलो जाओ, चलो चलो, ओए बाइक, चल ठीक है निकल निकल, भागो ठीक है भाग लो, क्या है यार राज भाई, क्या सीन हो गया तुम्हारे साथ, ये क्या करें अब, करण भाई ऐसी है यार, करण भाई यार ऐसी सीन हो गया था यार, अब यार मैं पता ढूंढ ढूंढ के थक गया, मैंने कहा पता नहीं कहाँ होंगे राज भाई भयंकर, फिर यहाँ से अंदर को आया, फील्ड बताया था तुमने, मैं वहाँ पे ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं कहाँ है, नेटवर्क नहीं आते ना, फिर मैंने तुमको बोला नहीं था कि फील्ड पे आ जाना करके, चलो सही है, थैंक यू यार, अरे कोई नहीं यार, अरे मैं घर से निकला, मैंने कहा अब कोई है नहीं साथ में, मैंने सबको फोन किया, कोई था ही नहीं, फिर मैंने कहा यार अब कुछ है नहीं, गन ही लेके चलता हूँ, गन लेके आया, मतलब गन जरूर लेके आए, अकेला था ना, मैंने कहा पता नहीं कितने लड़के होंगे, क्या क्या हथियार होगा उनके पास, चलें फिर
चलो निकलते हैं। सुबह लोग देख रहे हो भाई कैसे जंगल में पकड़ के लेके आए थे राज भाई को, भाई लिटरली ऐसी जगह में भाई कोई बंदा कैसे ला सकता है। और भाई वो बोल रहे थे भाई हमारी कोई गलती नहीं है, गन देख के तो भाई उनकी फटके चार ही हो गई थी, अगर भाई मैं गन नहीं लेके आता तो भाई मुझे भी लपेट लेते वो लोग। बाकी भाई अभी चलते हैं फटेक से और राज भाई को बाय बोलते हैं। अब पता नहीं भाई बंदों ने क्या क्या किया होगा राज भाई के साथ, अभी कहीं रुकते हैं और वहां रुक के पता करते हैं भाई क्या सीन हुआ एक्चुअल में, क्योंकि भाई अभी तक मेरे को कंफर्म नहीं है कि भाई सीन क्या हुआ है। मुझे जहां तक पता है, मुझे बस ये पता है कि भाई राज भाई जो इस लड़ाई में आए हैं वो किसी दूसरे बंदे की वजह से आए हैं इस लड़ाई में। सुबह लोग अभी राज भाई को बाय बोलते हैं, राज भाई जस्ट पीछे ही आ रहे हैं मेरे और उनको बाय बोल के घर निकलते हैं। जो मैटर था भाई अभी फिलहाल तो सॉल्व हो गया है, बाकी आगे देखते हैं भाई क्या सीन होता है इनका। सुबह लोग अभी पूरी पूरी शाम हो चुकी है, अभी शाम के 6:30 बज चुके हैं, मैं समथिंग 5 बजे घर से निकला था, अभी मैं सीधा घर पहुंच रहा हूं। घर से फोन आ रहे हैं मम्मी के कहां चला गया अचानक से, घर में बता के भी नहीं गया, इतने सारे कॉल आ गए ना भाई इतनी देर में, सनसेट भी भाई होने ही वाला है। सुबह लोग अगर आगे कुछ सीन होता है तो मैं आप लोगों को दिखा दूंगा, आप लोग इस चैनल पे बने रहना। सुबह लोग इस वाले ब्लॉग को यहीं पे, ऐसे ही मस्त मस्त ब्लॉग्स इस चैनल पे आते रहते हैं, मोटो ब्लॉग्स, डेली ब्लॉग्स और भी बहुत कुछ। एंड हाँ गाइस, मेरे सेकंड चैनल को जाके एक बार चेकआउट कर लेना, आप लोगों के काम की वीडियोस आती रहेंगी उस वाले चैनल पे, तो मेक श्योर जाके सब्सक्राइब कर लेना। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय, सी यू टाटा सी यू सून, जय श्री राम।